हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में जो थे हम लोग डिस्कस किए हुए थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, और एक एक कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को जो है हम लोग बहुत ही प्रॉपर वे में समझे थे और उसको डिस्कस किए हुए थे। और उन कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के बेसिस पर जो है हम लोग बहुत एक एक सम भी प्रैक्टिस किए हुए थे और उसको समझे हुए थे कि कैसे जो है हम लोग को कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का क्वेश्चन जब सॉल्व करना था तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बहुत ही प्रॉपर वे में डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में जो है मतलब मिला जुला कर हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो था, वो क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया। इस वीडियो में जो है हम लोग दो थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है और कॉन्ग्रुएंस से ही मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से मिलता जुलता है और उसी से आता है। और ये दोनों थ्योरम जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए, कभी सर्कल के लिए, कभी ट्रायंगल के लिए ये यूज़ में आता ही है, साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इन थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखेंगे और स्टेटमेंट के साथ जो है उसको बहुत ही प्रॉपर वे में प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है, If two sides of a triangle are equal, then the angle opposite to equal sides are equal। तो हमारा स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल है और वो दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। इसी बात को जो है हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फिगर बनाते हैं। ये मैंने लिया ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल मैंने लिया, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है जिसमें हमको क्या दिया है, ए बराबर सी, सॉरी ए बी और ए सी जो है हम लोगों को इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं, गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ये ए बी के अपोजिट साइड क्या होगा, ये सी। ए बी के अपोजिट साइड जो है, ए पी के अपोजिट एंगल जो है वो क्या होगा, सी होगा। तो और ए सी जो इक्वल दिया है उसके अपोजिट बी होगा, यानी हम लोग को प्रूफ कर देना है कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। इसी बात को हम लोग को प्रूफ करना है। इसमें हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ द, हम लोग क्या करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, ए डी ए एंगल जो है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और जो कि बी सी पॉइंट के, बी सी साइड के डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब कि ये ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, मतलब कि ये और ये जब इसको बाइसेक्टर ड्रॉ करने से हमारा एंगल जो था ए वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया
और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ए डी जो है वो उसका बाइसेक्टर है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे तो क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी और सी जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो यही हम लोग करते हैं, लिख क्या लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, तो ए बी डी और ए सी डी लिए हमको दिया हुआ ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी जो है वो ये हम लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग ए डी कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए थे, जो कि क्या है, जो कि एंगल ए को जो है टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के, सी ए डी के, क्यों, क्योंकि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। और फिर अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ए डी जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, ए डी बराबर ए डी, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। तो मैंने आपको बोला था कि आपको अगर कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज हुआ है ट्रायंगल में, अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या कीजिए, जो जो चीज़ का यूज़ किए हुए हैं या फिगर को आप बहुत ही प्रॉपर वे में देखिए, तो आपको इजीली वे में जो है आप पता लगा सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल, ये साइड और ये एंगल और ये फिर ये साइड, ये वाला साइड का जो है यूज़ किया गया है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस कंडीशन जो है यहाँ पर यूज हुआ, और एस एस कंडीशन से हमारा दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। अब हम लोग को पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि B बराबर C हो गया सी पी सी टी से। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये था, और ये थ्योरम जो है वो जनरली हर एक एग्ज़ाम में या कहीं बेसिक प्रॉपर्टी में आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, या फिर कोई चीज़ को प्रूफ करिएगा तो भी यहाँ पर ये थ्योरम का मतलब वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वो इसको समझना और इसके प्रूफ को भी समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये था हमारा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो अपने डाउट को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आने वाले वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कन्वर्स के थ्योरम के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद जय भारत।